नमस्ते, मैं हूँ सीमा और आज मैं बात करने वाली हूँ अपने आप को कैसे बचाएं जब हम हीलिंग करते हैं, रेकी करते हैं और जितनी भी बीमारियों की हीलिंग होती है या कोई वायरस फैला हुआ होता है उस समय हम अपने आप को प्रोटेक्शन शील्ड में कैसे रखें कि कोई भी चीज़ हमें अटैक नहीं कर पाए, ये आपको बताऊं। उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि रेकी एक हीलिंग शक्ति है, एक हीलिंग पावर है। तो जो रेकी चैनल्स हैं वो तो समझते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता कि रेकी में अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, वो जब इस वीडियो को देखेंगे तो उनको ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा कि रेकी की अपनी टेक्निक है प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जब भी हम कहीं जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं या कोई बीमारी इधर उधर होती है, उस समय हमें अपने आप को बचाने की बहुत ज़रूरत होती है। जब हम बैठ के हीलिंग करते हैं, जब हम अपनी हीलिंग एनर्जीज वहाँ भेजते हैं सामने जिसको भी हील कर रहे होते हैं, तो जब पॉजिटिव एनर्जी जा रही है हाथों से वहाँ, तो वहाँ की नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है। तो जब नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है तो हमें अपने आप को बचाने की ज़रूरत होती है। ये मेरा एक जो मेरे रेकी चैनल्स हैं, मैं उनको हमेशा समझाती हूँ कि जैसे जो डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स हॉस्पिटल में होते हैं जब सर्जरी कर रहे होते हैं या पेशेंट को देखते हैं, तो वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। वो ग्लव्स पहनते हैं, वो मास्क लगाते हैं, वो गाउन पहनते हैं। और ये नहीं कि अभी कोरोना के टाइम पे कर रहे हैं, हमेशा ही ऐसा करते हैं और वो भी स्टरलाइज्ड होते हैं। तो उनको भी ज़रूरत होती है प्रोटेक्ट करने की, क्योंकि वो रोज़ पेशेंट से मिल रहे हैं। और हम लोग एज अ हीलर, हमें भी ज़रूरत होती है प्रोटेक्शन की, कैसे बचें। कोई बहुत दुख में आया है, किसी के हमने इमोशनल हीलिंग करी है, तो हमें उसका अटैक नहीं होना चाहिए ना, हमारे अंदर वो नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। और रेकी करने से लोग इसलिए डरते हैं कि अरे हमारी लाइफ में नेगेटिविटी आ जाएगी, तो उसका तरीका है हमें कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। इसके लिए सबसे पहले जब हमें किसी की हीलिंग करनी है या हम कहीं जा रहे हैं, तो हमें अपने को बचाने के लिए क्या इमेजिन करना चाहिए कि हम एक पर्पल कलर के क्यूबॉइड में बैठे हैं या पिरामिड में बैठे हुए हैं, छोटे से पिरामिड में, और उसके ऊपर पर्पल कलर का बहुत बड़ा पिरामिड है। जब हम इसके अंदर बैठ जाएं तो उसके दरवाजे को हम बंद कर देंगे। ये जो पर्पल कलर का पिरामिड है, ये एक प्रोटेक्शन शील्ड बन जाएगी हमारे लिए। और फिर रेकी में सिंबल होता है चोकुरे, वो बड़ा सा चोकुरे हम अपने सर के ऊपर बनाएंगे और बोलेंगे चोकुरे चोकुरे चोकुरे, और इमेजिन करेंगे कि चोकरे की सारी हीलिंग पावर जो है वो हमारे बॉडी में फैलती जा रही है। हम बहुत पावरफुली अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, फील करेंगे उस एनर्जी को, चोकरे की एनर्जी को जो हमें प्रोटेक्ट कर रही है। अब कई बार ऐसा होता है कि हम ये प्रोटेक्शन कर तो लेते हैं लेकिन हम कुछ परमिशन नहीं देते हैं। हमें नेगेटिविटी को अंदर आने के लिए परमिट नहीं करना, रेकी इंटेंशन पे काम करती है। तो हमें जब हमने चोकुरे को बनाया तो हमें ये प्रे करना चाहिए, आई थैंक रेकी फॉर बीइंग हियर, आई थैंक ऑल गॉड एंड गॉडेसेस फॉर बीइंग हियर, आई थैंक रिमिका ओसुई फॉर बीइंग हियर एंड आई थैंक प्रोटेक्शन शील्ड फॉर बीइंग हियर। इसके बाद हम ये भी परमिशन देंगे कि जितनी भी पॉजिटिविटी है वो अंदर आ सके, वो हमें और स्ट्रॉन्ग कर सके, और नेगेटिविटी को तो हमने रोक ही दिया है। कई बारी हमें ये भी इंटेंशन देना होता है कि हमने कितनी देर के लिए प्रोटेक्शन दी है। हमने अपने हाथों को लिया, रेकी को कॉल किया, हाथ बंद किया, तो अगर 24 आवर्स के लिए हमने करनी है तो हमने 2-4 मिनट में हीलिंग एनर्जी भेजी। अगर एक वीक के लिए करनी है तो 10 से 15 मिनट, और अगर एक महीने के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो 30 से 40 मिनट तक हमें अपने आप को हीलिंग देनी चाहिए उस पिरामिड में बैठ के। बस हम प्रोटेक्टेड हैं और हम अपना काम कर सकते हैं। हमें कोई भी दुनिया की ताकत हमें नेगेटिविटी नहीं दे सकती, क्योंकि हम अपने सुरक्षा कवच में हैं। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा कि हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, और अगर नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको आपको समझा दूँगी कि कैसे करना है। योर कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम्ड, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल with other Reiki channels and with your friends and family. Thank you for listening to me. This was Seema talking to you.